अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक रखे, खैरियत रखे, अपने हिफ्ज अमान में रखे, जहाँ भी आप हैं, जिस भी मुल्क में आप हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और तमाम दुनिया जान की खुशियाँ नसीब करें। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत संवारे, हम सबको उन लोगों के रास्ते पर चलाए जो अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह पाक हम सबको हक लाल के रोज़ी रिज़क दे, बेहिसाब दे और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक हमारे प्यारे जो हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे और हमारी मुलाकातें उनसे जन्नत फरदौस में क़यामत के रोज़ करवाए। अल्लाह पाक आपके बच्चों को नेक काबियादार बनाए और वो अपने बीवी बच्चों की, अपने माँ बाप की अच्छी तरह से कदर कर सकें और लुकाफर कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहन भाइयों, आज मैं और मेरी बेटी जो है वो उस बस का सफ़र कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी बेटी के एरिए में मूव हो गई हूँ, वो टीचर है फुल टाइम। तो ये लंदन से 20 मील के फासले पर है ये एरिया, इस लैंगली एरिया नियर स्लाव। तो हमने बस आज पकड़ी है, तो एरिया का ये हमारे लिए न्यू एरिया नहीं है, क्योंकि स्लाव में मैं 18 साल रही हुई हूँ, तो ये हमारे लिए न्यू तो नहीं है। तो मैं इस एरिया को बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। तो अब हम इधर आए हैं आफ्टर 10-12 ईयर्स के बाद हम इधर वापस इस जगह पे आए हैं। तो ये बस का है नज़ारा, ये सीट्स हैं, देखें ज़्यादातर क्योंकि COVID-19 है, कोई इतना सफ़र नहीं करता बसों में। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो येलो स्टिकर लगे हुए हैं, वो इसका मतलब है कि उस सीट पे आपने नहीं बैठना, फासला यानी कि एक सीट पे बैठना है, उसके नेक्स्ट नहीं बैठना किसी ने। तो बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये मैंने कहा चले मैं सफ़र कर रही हूँ तो मैं अपनी बहन भाइयों को भी दिखा दूँ यहाँ पे जो बसों का सिस्टम है। ये देखें, बस में सिर्फ मैं, मेरी बेटी और दो बच्चे हैं हमारे, और कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है बस। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहन भाई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।